Angad. वाह अंगद, बहुत अच्छा किया तुमने। प्यार करने का दम भरता था ना, अपने ही प्यार की खुशियां छीन ली उसकी शादी को खतरे में डालकर। और उसने क्या किया दादी? मुझे फंसाने के लिए मेरे जज्बात के साथ खेला। नफरत करता हूं मैं उससे। I hate her। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन नहीं दादी। प्यार और नफरत के बीच में एक लकीर होती है जो बहुत नाजुक होती है, उसे पार करने वाली वो खुद है। आज अगर मैं उससे प्यार नहीं करता, नफरत करता हूं, तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद ही है, मैं नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो ये सब करके उसने अच्छा किया। मैं उससे नफरत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब she holds no importance in my life anymore। भगवान, ये दोनों कब तक एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहेंगे? नफरत में बदल चुका इनका प्यार, कहीं इन्हें ऐसे मोड़ पे ना खड़ा करते जहां से हर रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता हो। कैसा लग रहा है कृपा? किसी ने तुम्हारा यकीन नहीं किया? चलो अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सच्चाई वो नहीं होती जो हम जानते हैं, बल्कि वो होती है जो बाकी सब समझते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह ना कृपा, बहुत चीखा था, चिल्लाया था, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया था, तुमने भी नहीं। उल्टा तुम तो ये समझ बैठी थी कि मैं और सिमोन, और जेल भिजवा दिया मुझे। कृपा, मुझसे ही दूर जाके तुम अपने बीते हुए सच्चाई से दूर नहीं भाग सकती, और जब भी तुम ऐसा करोगी तब तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, ठीक इसी तरह जिस तरह मैं इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जानती हो कृपा, कुछ वक्त के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। But I guess I was wrong, क्योंकि तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम मेरी आवाज रिकॉर्ड करना चाहती थी। That is so cheap. That's really cheap. क्या हासिल हुआ तुम्हें? मिस्टी और मुझको तो अलग कर नहीं सकी, तुम्हारा पति पृथ्वी तुम्हें छोड़ के चला गया। पृथ्वी मेरा पति है, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, यू कांट रुइन माय मैरिज। तुम मेरी शादी तबाह नहीं कर पाओगे। तुम तो क्या, तुम्हारे जैसा कोई भी इंसान मेरी शादी बर्बाद नहीं कर सकता। पृथ्वी सिर्फ मेरा पति है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। Superb speech, ladies and gentlemen. पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये माइंड ब्लोइंग स्पीच सुनने के लिए तुम्हारा पति यहां मौजूद नहीं है।
वो क्या, यहां पे तो कोई भी नहीं। क्या मिला तुम्हें, क्या हासिल किया तुमने, और कौन से रिश्ते की बात कर रही हो तुम? पृथ्वी, पति, सबके सामने तो छोड़ के चला गया तुम्हें, एक बार भी मुड़ के देखा भी नहीं। कृपा, मैं अगर जाऊं ना तो तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी दी हुई मार तुम्हारे छोटे से थप्पड़ से कई गुना ज्यादा है। तुम्हारा थप्पड़ तो सिर्फ मुझे मुंह पर लगा है, लेकिन मेरी मार तुम्हें दिल पे लगी है, जो तुम कभी नहीं भूल पाओगी। जानती हो कृपा, तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, अब बदला लेने की बारी मेरी है। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हारे आंसू सूख जाएंगे। तुम रोना तो चाहोगी, लेकिन तुम्हारे आंसू बाहर आने से इनकार कर देंगे। आई प्रॉमिस। बहुत दर्द दिया तुमने अंकद मुझे, पर इसी दर्द को अब मैं तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं जो करूंगी उससे कोई टूटेगा तो सिर्फ तुम, और मेरा रिश्ता पृथ्वी के साथ इस हद तक जुड़ जाएगा कि एक क्या 100 अंकद मिलकर भी उसे नहीं तोड़ पाएंगे। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये जो कृपा है ना, एक नंबर की धोखेबाज है। अच्छा, कोई कॉफी पिएगा? तब चुप रहोगी? मेरे ख्याल से मुझे म्यूजिक प्ले करना चाहिए, तुम दोनों का मूड भी ठीक हो जाएगा। कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार। चलो कमरे। मैंने सिर्फ अंगद से ही प्यार किया। और उसी से करती रहूंगी, और उसी से करती रहूंगी। आई लव यू अंगद। पृथ्वी, मेरी एक बात का जवाब दोगे? पहले मेरी बात का जवाब दो कृपा। हम साथ क्यों हैं? ये तुम क्या पूछ रहे हो पृथ्वी? देखो कृपा, मैं एक बिजनेसमैन हूं,
और तुम एक कलाकार। तुम ख्वाबों में भरोसा करती हो और मैं हकीकत में। हमारे बीच ऐसी कोई बात ही नहीं है जो कॉमन हो। तो फिर क्यों क्यों हो तुम मेरे साथ? साथ क्यों? इसीलिए पृथ्वी, क्योंकि हमारे बीच कुछ कॉमन नहीं है। जो कमी मुझ में है उसे तुम पूरा करते हो, और जो तुम में उसे मैं पूरा करती हूं। इसीलिए हम साथ हैं। मुझे ख्वाब देखने का शौक है, और तुम सच्चाई में जीते हो। हम इसलिए साथ हैं ताकि मैं ख्वाब देख सकूं और तुम उन्हें सच्चाई में बदल सको। जानती हो कृपा, मैं वहां से क्यों चला गया? वो इसलिए कि क्योंकि मैं मिस्टर माँ की आंखों में जो सवाल थे, मैं उनका सामना नहीं कर पा रहा था। मैं जानता हूं तुम अंगद से आज अंगद को भूल जाओ। ये मैंने कभी तुमसे नहीं कहा, क्योंकि मैं अंगद की जगह नहीं लेना चाहता था, बल्कि खुद अपने लिए एक जगह बनाना चाहता था तुम्हारे दिल में। लेकिन आज लगता है कि तुम्हारे दिल में सारी जगह अंगद ले चुका है। मेरे लिए कोई जगह बची नहीं, इसीलिए मैं अकेला रह गया। मैं हार गया। मैं तुम्हारी पत्नी हूं पृथ्वी, और एक पत्नी के लिए पति क्या मायने रखता है वो शायद मैं शब्दों में नहीं कह पाऊंगी। शायद तुम एक बार पीछे मुड़कर देख लोगे तो सब समझ जाओगे। प्लीज पृथ्वी, एक बार मेरी तरफ देख लो, मेरे लिए। एक बार मेरी बात नहीं मानोगे? प्लीज। जगह जो मेरे दिल में वो कोई नहीं जानता। अंगद मेरी जिंदगी का हिस्सा जरूर था, लेकिन वो मेरा अतीत था पृथ्वी। तुम मेरे आज हो, तुम मेरे होने वाले कल हो, वो कल जो हमें साथ में जीना है। कृपा, आई एम सॉरी।